हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है और कुछ रिलेशंस होते हैं इसमें। तो सबसे पहला हम लोग जो काम करने जा रहे हैं इसमें, वो है मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख देते हैं। इसका कंपोनेंट हम यू एक्स में तोड़ेंगे, यू एक्स में तो यू कॉस थीटा आएगा, यू वाई इज इक्वल टू आएगा यू साइन थीटा आएगा, और ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी होगा। ये हमको पता है, इतना जानकारी है हमको। तो सबसे पहला काम करते हैं क्या, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कि अगर हम बात करें एच मैक्स, तो क्या लिखते हैं इसके लिए इक्वेशन, क्या लिखते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसको जीरो कर देते हैं ना, यहाँ पर यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टू जी, और यहाँ तो लिखते हैं एच मैक्स। तो आपको हो जाता है एच मैक्स इज इक्वल टू जो होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बटे टू इंटू जी, ऐसे लिखते हैं। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बटे टू जी, इस तरह से वैल्यूज को लिखते हैं। ये मैक्सिमम हाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हो गया। दूसरा है आपको फार्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें होता है क्या है कि टाइम ऑफ जो फ्लाइट, सॉरी पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज में टाइम ऑफ फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो होती है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना समय लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना समय लगा एयर में उसको रहने में, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वी का स्क्वायर यानी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। इसको जीरो लिखेंगे, यू लिखेंगे साइन थीटा और माइनस जी इंटू क्या लिखेंगे, टी ए लिखेंगे। तो जो टी ए होगा वो होगा क्या, यू साइन थीटा और डिवाइडेड बटे जी होगा, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट। उसी तरह से इसको बोलेंगे हम लोग क्या, टाइम ऑफ डिसेंट यू साइन थीटा और डिवाइडेड बटे कितना जी होगा, तो इसको लिखेंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी, यहाँ पर लिखेंगे यू साइन थीटा डिवाइडेड बटे कितना जी प्लस यू साइन थीटा और डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा जी, तो ये मिल जाएगा आपको टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बटे जी। ये हो गया आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन थीटा बटे जी, इस तरह से वैल्यूज मिलता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वल टू हो गया टू यू साइन थीटा बटे जी, यानी टू टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसी में आपको अगर निकालना होगा रेंज, तो रेंज आप इसी के में कैलकुलेट करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम लोग लिखते हैं आर, हॉरिजॉन्टल टीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस वन बाई टू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, क्योंकि रेंज कैलकुलेट करना होगा तो इक्वेशन ही लिखने होंगे। तो आर इज इक्वल टू इसको लिखेंगे क्या, यू कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे टी एफ प्लस जीरो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी एफ, यहाँ पर हो गया क्या टू यू साइन थीटा और डिवाइडेड बटे कितना जी, टू यू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे जी लिखेंगे, क्लियर है। तो आर इज इक्वल टू होगा वो हो गया आपको टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू यू का स्क्वायर डिवाइडेड बटे जी, इसको लिखेंगे साइन टू थीटा इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे जी, u स्क्वायर साइन टू थीटा और डिवाइडेड बटे जी, इसको लिखेंगे हम लोग रेंज। ये रेंज हो गया।
अब ये रेंज मैक्सिमम कब होगा? कंडीशन ये है कि रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम विल बी मैक्सिमम साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वन होगा, तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू, और साइन कितना 90, तो टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 45, तो आर विल बी मैक्सिमम, आर हो गया मैक्सिमम, यानी यू का स्क्वायर, और साइन कितना हो जाएगा 2 × 45 डिवाइडेड बटे जी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे जी, रेंज हो गया मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम। ओके, ये रेंज मैक्सिमम है, तो आप इसको अगर डायग्राम से दिखाना चाहेंगे तो होता क्या है एक्चुअली कि जो साइन जो है 90 का वैल्यू है ना, साइन इसे साइन 90 का वैल्यू कितना है, 90 का वैल्यू 1 है, और पीछे आते हैं जैसे कि साइन 60 पे आते हैं तो रूट 3/2 हो गया, और इसके और आगे जाते हैं, मतलब ये हो गया, आपको ऐसा करिए 91 हो गया, और इसके थोड़ा सा और आगे आते हैं साइन 120, तो साइन 120 का वैल्यू अगर मानेंगे, आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 या प्लस 30, ये हो जाएगा कितना कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू कितना हो रहा है √3/2 हो रहा है। अब पीछे आइए साइन 60, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, देख रहे हैं, एंगल अगर 90 से ज़्यादा भी ले जाएंगे तो वैल्यू घट रहा है, 1 से कम आ रहा है, और इधर भी जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो दोनों कंडीशन में यही होगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया कि 45 से फेंक दिया तो यहाँ आके गिर गया, सपोज दैट 45, और एंगल ज़्यादा से बढ़ा रहे हैं तो भी कम, एंगल कम भी कर रहे हैं तो भी कम, समझ में आया बात नहीं आया, तो ये है हो गया 45 डिग्री वाला, ये मैक्सिमम रेंज हो गया आर मैक्स। मैक्सिमम हाइट अलग अलग हो सकती है लेकिन आपको जो रेंज होगी, रेंज वो यहाँ पर देख रहे, ज़्यादा भी एंगल करेंगे तो यहाँ कम पे आएगा, और एंगल कम भी करेंगे तो कम पे आएगा, और एंगल एक 45 डिग्री से रखेंगे तो उसका अच्छा खासा रेंज होगा, यानी रेंज क्या हो गई, ये मैक्सिमम रेंज, ये बात है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब एक सवाल आता है, मैंने मैक्सिमम हाइट किया है, रेंज किया है ना, एक सवाल इसमें आता है कि हम कैसे पाथ को डिटरमाइन करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यानी इक्वेशन ऑफ पाथ हेडिंग रहते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ हेडिंग है इक्वेशन ऑफ पाथ। इसमें क्या करना है कि एक्सेप्ट एक्स एंड वाई ऑल वेरिएबल रिमूव, जितने भी वेरिएबल है वो क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ एक्सेप्ट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को छोड़कर जितने भी वेरिएबल है उन सभी वेरिएबल को हटा देना है, रिमूव कर देना है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर एक एग्जांपल है छोटा सा, एक्स इज इक्वल टू 80 है और y इज इक्वल टू bt है ना, तो इसको हमको निकालना है पाथ, तो कुछ करना नहीं है, y बराबर bt यहाँ पर रखिए, और यहाँ से t बराबर क्या लिखिए, x बटे a लिखिए, और इसको t को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू हो गया b इंटू x बटे a, तो y इज इक्वल टू हो गया b डिवाइडेड बटे a इंटू x, तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया, पाथ जो इसका हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। इसको डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक्स हो गया, ई
वाई हो गया और ऐसे हो गया, ऐसे कर सकते। दूसरा है, मान लीजिए दूसरा टाइप क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू है a cos ओमेगा t है और y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है। तो हम लोग पता है कि ओमेगा बराबर थीटा बटे क्या होता है, t होता है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू t होता है। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा, इसको लिखेंगे क्या, x डिवाइडेड बटे a इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो y डिवाइडेड बटे a इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमको थीटा को हटा देना है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं, स्क्वायरिंग एडिंग बोथ साइड की, दोनों तरफ स्क्वायर करिए और ऐड भी करिए। तो क्या मिलेगा, एक तो ये पहला है, एक ये क्या है, ये दूसरा है। तो x बटे a इसका क्या लिखना है, स्क्वायर। फिर क्या लिखना है, y डिवाइडेड बटे a इसको क्या लिखना है, स्क्वायर। और फिर लिखना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बटे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए का स्क्वायर। ये क्या बन गया, सर्कल बन गया, इक्वेशन सर्कल हो गया ये। तो पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर, पाथ सर्कुलर हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं, इसके जो पाथ होंगे वो कैसा हो जाएंगे, सर्कुलर पाथ हो जाएंगे। तो अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, मोशन अंडर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी में जो मोशन हो रही है उसकी अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम पाथ डिटरमाइन करें तो सबसे पहले लिखना होगा x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस वन बाई टू ए एक्स टी का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो फिर x तो नहीं लिखा ना, x तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, u है ना, u इंटू टी। तो यू एक्स में लिखते हैं t, यहाँ पर क्या लिख देते हैं जीरो। तो x इज इक्वल टू हो गया यू एक्स इंटू टी, तो यहाँ से t बराबर क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बटे यू एक्स लिखेंगे। फिर y इज इक्वल टू लिखेंगे यू वाई टी प्लस वन बाई टू ए वाई, फिर क्या होगा, t का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया y, इसका मतलब यू वाई, ओके। टी t के बदले क्या लिखेंगे, x बटे यू एक्स, एक्स बटे यू एक्स माइनस वन बाई टू जी। t के बदले फिर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर डिवाइडेड बटे यू एक्स का स्क्वायर, ओके। तो y इज इक्वल टू जो होगा x डिवाइडेड बटे यू वाई डिवाइडेड बटे क्या हो गया, यू एक्स माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बटे यू एक्स, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। इस तरह से बात करेंगे, है ना, प्रोजेक्टाइल जैसा हो गया ना, पैराबोलिक पाथ की तरह हो गया। अब इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ, अगर हम पाथ निकालना है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका क्या, वाई, और ये हो गया आपका एक्स, और ई हो गया आपका यू। तो ये हो गया आपका थीटा। तो यहाँ पर लिखे हैं क्या, यू एक्स, यहाँ पर हो गया क्या, यू वाई। तो जो यू एक्स है वो क्या हो गया, यू कॉस थीटा, क्लियर। और यू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, यू साइन थीटा। यहाँ पर क्या हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू हो गया जीरो और ए वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस जी, है ना। तो सबसे पहले बात की अगर आप मोशन लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, यू एक्स टी प्लस वन बाई टू
ए एक्स, या फिर क्या हो गया टी का स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस क्या हो गया जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू क्या हो गया टी हो गया, तो टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बटे यू कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बटे टी इज इक्वल टू एक्स बटे यू कॉस और थीटा हो गया, टी इज इक्वल टू एक्स बटे यू कॉस थीटा। और वाई में जो लिखते हैं मोशन वो लिखते हैं वाई वाई टी प्लस वन बाई टू ए वाई टी का स्क्वायर, ऐसे लिखते है ना वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन बाई टू जी, फिर क्या लिखेंगे टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको रख कर यू साइन थीटा टी, टी के बदले लिखेंगे क्या यू साइन थीटा एक्स डिवाइडेड बटे यू कॉस थीटा माइनस वन बाई टू जी और एक्स डिवाइडेड बटे यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर है ना। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बट यू कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया ये कट जाएगा तो मिलेगा क्या y इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बटे कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो इसको आप लिखेंगे क्या टेन थीटा इंटू एक्स माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका वाई, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो वाई इज इक्वल टू हो गया एक्स टेन थीटा, तो यहाँ पर हो गया क्या वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये एक इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल के केस में, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अलग फॉर्मेट में ही बना सकते हैं, अलग फॉर्मेट में ज़्यादातर ये अच्छा लगता है, ज़्यादातर अच्छा लगता है अलग फॉर्मेट में, ठीक है। अलग फॉर्मेट क्या है, अलग फॉर्मेट है आपको y इज इक्वल टू, इसमें आप x tan थीटा कॉमन ले लीजिए x, या एक और फॉर्मेट बना लीजिए x tan थीटा तो है ही यहाँ पर माइनस वन बटे टू जी और x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा u का स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा को ऊपर क्या ले जाएंगे sec स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अप प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर फिर u का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, इस तरह से लिखे जाएंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन बाई टू y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर बट यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट बन गया। अब इसमें होता है क्या है कि अगर टेन थीटा बराबर आप कुछ मान सकते हैं ये भी हो जाएगा, एक फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट ये है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर फिर u का स्क्वायर और नीचे में था cos स्क्वायर थीटा, ऐसा था। तो
इसमें हम x tan थीटा को कॉमन ले लेते हैं, x tan थीटा को बाहर, तो ये हो गया वन माइनस, वन माइनस यहाँ पर हो जाएगा g, और एक x कॉमन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू यहाँ रहेगा और tan थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब पहले से u स्क्वायर था ही, cos स्क्वायर थीटा भी रहेगा, ऐसा होगा, इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से बनने के बाद यहाँ पर लिखेंगे x tan थीटा y इज इक्वल टू x tan थीटा, यहाँ पर क्या होगा वन माइनस, वन माइनस जी इंटू एक्स डिवाइडेड बटे टू इंटू, है ना, y इज इक्वल टू x tan थीटा वन माइनस जी एक्स डिवाइडेड बटे टू, और यहाँ पर हो जाएगा क्या साइन थीटा डिवाइडेड बटे कॉस थीटा इंटू यू का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हो गया, है ना, तो y बराबर x tan थीटा वन माइनस जी एक्स डिवाइडेड बटे टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू यू का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस जी एक्स, जी एक्स और डिवाइडेड बटे टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बटे, डिवाइडेड बटे हम बस कुछ नहीं, ये भी लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और यहाँ पर लिखेंगे वन माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं x डिवाइडेड बटे टू u का स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बटे g, तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स डिवाइडेड बटे, डिवाइडेड बटे यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर और साइन टू थीटा डिवाइडेड बटे जी, इसको लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, टेन थीटा वन माइनस एक्स डिवाइडेड बटे आर, ये हो गया, है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बटे आर, जहाँ पर आर क्या है रेंज है, आर इज इक्वल टू रेंज, और आर इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बटे जी, ये वैल्यू लिखते थे, क्लियर है। तो आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।